दोस्तों उड़ीसा क्रिकेट लीग T20 का जो एक और नया मैच खेलेगा कल, मैच नंबर 3, दो टीम के बीच खेलेगा, उड़ीसा पैंथर्स और उड़ीसा पुमास, इन दो टीम्स के बीच ये मैच होने वाला है। तो इसी मैच के बारे में हम लोग यहाँ पर फुल जानकारी देने वाले हैं आपको। उसी के साथ दोस्तों मिलकर एक डेमो टीम भी बनाएंगे, जो टीम आपके लिए फाइनल टीम्स बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एनालिसिस शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फाइनल टीम्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाला है। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप टेलीग्राम पर जाके ये टारगेट एंड फैंटेसी लिख के सर्च भी कर सकते हो। और देखिए यहाँ पर मैच की बात करें, कल सुबह 9 नहीं दोस्तों, यहाँ पर 8:30 बजे होगा, कल सुबह 8:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। वेदर रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, बिल्कुल क्लियर रहेगा कहाँ पर मैच होगी, ड्रीम्स ग्राउंड कटक में ये मैच होने वाला है। और पिच रिपोर्ट की बात करें, बिल्कुल बैलेंस रहेगा और 140 के ऊपर यहाँ पर स्कोर होने वाला है। लास्ट जो चार इनिंग्स हमने देखा है वहाँ पर आप कह सकते हैं 150 के ऊपर गया है, लेकिन इस मैच के लिए भी देखिए 140 प्लस स्कोरिंग यहाँ पर रहने वाला है। और दोनों टीम्स की देखिए, इस बार तो ये स्टार्ट सबको नहीं मिलेगा, लास्ट ईयर की कुछ मैचेस की अगर बात करें तो पैंथर्स की टीम ने 5 मैच खेले थे, 5 जीते, और पुमास की टीम जो है, उड़ीसा पुमास की जो टीम है, 5 मैच खेले, इन्होंने 2 मैच में इनको जीत मिली है। तो आज के मैच परीक्षण में देखिए, उड़ीसा पैंथर्स 60% विनिंग चांसेस और उड़ीसा पुमास 40% विनिंग चांसेस। तो दोनों में से अगर आप कंपेयर करोगे तो पैंथर्स की टीम थोड़ा सा ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसलिए हमने इनके जो विनिंग परसेंटेज है थोड़ा सा ऊपर में रखा। नहीं तो आप चाहो तो यहाँ पर दोनों को बैलेंस करके चल सकते हो, क्योंकि पहला मैच होगा टूर्नामेंट का दोनों टीम्स के बीच, और दोनों में से इंडिविजुअली कोई भी टीम्स एक भी मैचेस नहीं खेले, इसलिए आप अगर ये सोचे कि 50-50 करके विनिंग चांसेस रहेगा तो कोई भी बात नहीं है, वो भी हो सकते हैं। अब बात करें दोस्तों ओडिशा पैंथर्स की प्रोबेबल प्लेइंग से ही, साथ में यहाँ पर एक्सपर्ट बैटिंग ऑर्डर के बारे में देखिए, दिनेश माझी ओपनिंग करेंगे संदीप पटनायक के साथ, दोनों यहाँ पर दाएं हाथ के बल्लेबाज है, और दिनेश माझी जो है विकेट कीपर, और संदीप पटनायक जो है कप्तान, और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिनेश माझी 24, 32, 27, 38 दो रन लास्ट 5 इनिंग्स में किया है। ये प्लेयर दोस्तों ठीक ठाक चल सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में इनका जो है बल्ला अच्छे तरीके से चले है, लेकिन थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में अगर इधर उधर आए तो फिर आप देखिए, नहीं तो अगर ओपनिंग पर आए तो आप आंख बंद करके इनको ले लीजिए। संदीप पटनायक 0, 61, 32, 24, 58 लास्ट 5 में से 4 बहुत अच्छे इनिंग्स खेली, 1 मिनट एक्ट में आउट है, कोई बात नहीं है। तो ये एक अच्छा खासा कप्तानी की चॉइस आपके लिए इस मैच में होना चाहिए, संदीप पटनायक, और टीम का भी कप्तान है और जिम्मेदारी लेकर खेलेंगे, ये मुझे तो लग रहा है। अभिषेक यादव लेफ्ट आर्म बल्लेबाज और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, 18, 0, 23, 1, 12 रन लास्ट 5 इनिंग्स में इन्होंने बनाया है। अनिल परिदा रायत के बल्लेबाज 1 मैच खेले, वहाँ पर 26 किए थे, लेकिन ये जो मैच खेले थे 2 महीने पहले शायद कोई एक टूर्नामेंट हुआ था डोमेस्टिक के अंदर, वो 2 महीने नहीं दोस्तों आप कह सकते हो कि आईपीएल से भी पहले मार्च मास से पहले कुछ एक टूर्नामेंट खेले थे, वहाँ पर कुछ 26 रन बनाए थे, 1 मैच खेले थे, बाकी यहाँ पर उन्होंने इंजरी मिल गई थी इनको, इसलिए इनको ज़्यादा मैचेस खेलने को नहीं मिले। सत्यकाम भरद्वाज दाएं हाथ के बल्लेबाज राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, 3 मैच पर 1 विकेट, 1, 2, 5, 17 रन 4 इनिंग्स बनाए हैं। शुभम कुमार सिंह दाएं हाथ के बल्लेबाज राइट आर्म मीडियम पेसर, इनके कोई रिसेंट रिकॉर्ड्स दोस्तों नहीं मिले। और प्रशांत राणा 7 नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज राइट आर्म मीडियम पेसर, 0, 10, 0, 13, 11 रन 5 मैच पे 4 विकेट इन्होंने निकाले। तो प्रशांत राणा जो है इनको ट्राई कर सकते हो एज ए ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर स्पेशली बात करें तो एक अच्छा खासा चॉइस आपके लिए बनेगा। बादल विश्वास दाएं हाथ के बल्लेबाज और राइट आर्म मीडियम पेसर है, इनकी देखिए प्रॉपर एक बॉलिंग ऑलराउंडर आप कह सकते हो, बैटिंग भी अगर करें तो थोड़े बहुत रन्स भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बैटिंग नहीं आती इनको। दोनों मैच खेले वहाँ पर एक मैच पे मतलब दोनों मैच में बैटिंग इनको मिली थी, वहाँ पे एक मैच पर ऑलरेडी 15 प्लस स्कोर बनाया, 17 और 7 एक मैच पर बनाया है, 4 मैच पर 3 विकेट इन्होंने निकाले। तो बादल बिस्वाल को आप ट्राई कर सकते हो एज ए बॉलर, ऑब्वियसली ट्राई करना। तापस दास की बात करें रायत के बल्लेबाज राइट आर्म मीडियम पेसर है, इनकी कोई रिसेंट रिकॉर्ड्स नहीं मिले। किशन मोहंती नायक के बल्लेबाज राइट आर्म मीडियम पेसर है, दोनों मैच में 0 विकेट 0 विकेट मतलब 1 भी विकेट इनको नहीं मिले थे। अंकित कर जायसवाल बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के जो है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग इन्होंने करते हैं, दोनों मैच पर इन्होंने भी विकेट लेस गए। तो दोस्तों इसी टीम की तरफ से जो एक दिक्कत आ रहा है कि प्रॉपर बॉलर्स की जो है ज़रूरत है, तो इसलिए ये टीम सफ़र कर सकते हैं, लेकिन इनकी रिसेंट रिकॉर्ड्स देख के ये नहीं लग रहा है कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। तो देखते हैं इस मैच पर कैसे परफॉर्मेंस करते हैं ये टीम। अब देखिए कौन से प्लेयर इस टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट चॉइस रहेगा, एक बार आपको देख लेना चाहिए। ऑब्वियसली दिनेश माझी, संदीप पटनायक, अभिषेक यादव टॉप 3 आपके लिए हो गए हैं।
सत्यकाम भरद्वाज इंपोर्टेंट पीक चार चॉइस हो गए हैं, उसके साथ यहाँ पर प्रशांत राणा रहेगा, बादल बिस्वाल और अंकित कर जसवाली कुछ प्लेयर्स मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चॉइस आपके टीम पर होना चाहिए और हमारा टीम पर भी रहने वाला है इस मैच के लिए। अब दूसरे टीम की बात करें दोस्तों, उड़ीसा पुमास, इनकी तरफ से डी अशोक सामंतराय बाएं हाथ के बल्लेबाज, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, ओपनिंग करेंगे राकेश पटनायक के साथ, दाएं हाथ के बल्लेबाज राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है। तो दोस्तों डी अशोक सामंतराय जो है 31-7, 31-29, 22 दोनों मैच पे 0 विकेट और 1 विकेट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चॉइस सामंतराय इस मैच के लिए लग रहा है। आप चाहो तो इनके साथ स्मॉली के लिए कप्तानी की चॉइस पर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लेयर बहुत बढ़िया है और इस मैच पर भी अच्छा करना चाहिए अगर ओपनिंग करे तो। लेकिन फिर भी देखिए वन डाउन खेले या फिर टू डाउन खेले तभी भी आप ट्राई कर लेना, ऐसा नहीं है कि वन डाउन टू डाउन खेलेंगे तब अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से ये ओपनिंग करना चाहिए, कभी 2-4 इनिंग्स में ओपनिंग भी किए हैं इसलिए हमने इनको एज ए ओपनर मेंशन किया। यहाँ पे राकेश पटनायक 2-1-53-18-25 रन, ठीक टच चॉइस ये भी लग रहा है, लास्ट 3 मैचेस से अच्छे टच पर है, अब इनको भी आपके टीम के अंदर रखिए। स्वस्तिक समाल देखिए लास्ट 5 इनिंग्स इनका 40-110-4-10, लास्ट 5 T20 इनिंग्स के अंदर डायथ के बल्लेबाज राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, टीम का कप्तान भी है, काफ़ी अच्छे क्राइटेरिया है इनके पास। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों लास्ट 5 इनिंग्स खेले उनमें से लास्ट 3 में अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन उससे पहले 40-110 मतलब T20 के लिए बहुत ही बढ़िया स्कोर इन्होंने लगाया है। एक मैच पर बॉलिंग करके विकेटलेस गए। साईदीप मोहापात्रा राइट आर्म बल्लेबाज राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, 12-7-23-6 रन। लक्ष्मीधर साहू की बात करें लेफ्ट आर्म बल्लेबाज लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर बॉलिंग करते हैं, 3 मैच पर 1 विकेट है, 1-8-23-2 रन 4 मैच पर स्कोर किए हैं बैटिंग करके। विनायक पाई करे यहाँ पर देखिए इनकी जो बात करें यहाँ पर 2-2-27 हो गए हैं, ये इसको थोड़ा सा ठीक करके देता हूँ। विनायक पाई करे यहाँ पर विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर रहने वाला है, बाएं हाथ के बल्लेबाज दोस्तों। 4 इनिंग्स में इनका स्कोर देखिए 2-27-11-9 रन। निरंजन गौडा दाएं हाथ के बल्लेबाज राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, दोनों मैच में विकेट लेस इन्होंने गए हैं। मीनाल परिदा दाएं हाथ के बल्लेबाज राइट आर्म मीडियम पेसर है, 4 मैच पर ऑलरेडी यहाँ पर 5 विकेट इन्होंने निकाले, काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है ये बॉलर, इस मैच पर अच्छा कर सकते हैं। आशीष राय मीडियम पेसर विकेटलेस गए। राहुल चौधरी की बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन दोस्तों रहेगा, लास्ट मैच में 3 विकेट, उससे पहले लगातार 4 मैच में 1-1 करके विकेट निकाले दोस्तों, टोटल 7 विकेट 5 मैच पर उन्होंने निकाल लिया, काफ़ी कंसिस्टेंट लग रहा है, तो आपके लिए इस मैच पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है कौन, राहुल चौधरी, आप आपके टीम के अंदर मस्ट भी करिए इसी मैच पर। सुशील बारिक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, 5 मैच पर 3 विकेट इनके पास भी है, तो अभी देख लीजिए कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट चॉइस रहेगा ओडिशा पुमास ये टीम की तरफ से। तो सबसे पहले नाम आएंगे कौन किसका, डी अशोक सामंतराय, राकेश पटनायक, स्वस्तिक समाल, लक्ष्मीधर साहू की बात करेंगे। 4 और नीचे की बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ पर विनायक पाइकरी भी अच्छा चॉइस है और मिलाल परिदा, राहुल चौधरी, सबसे नीचे यहाँ पर सुशील पारिक। तो दोस्तों यहाँ पर देखना चाहिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस क्या रहेगा, संदीप पटनायक, डी अशोक सामंतराय, स्वस्तिक समाल, सत्यकाम भरद्वाज, 4 प्लेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस आपके लिए देखने को मिलेगी इस मैच पर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच इंडिविजुअली तो मैचेस नहीं हुए हैं और दोनों के हेड टू हेड में भी मैचेस नहीं है, तो इसलिए इस मैच पर थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, स्मॉल लीग पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम रखिए। जैसे कि हमने आपको हर एक नए मैच में बोलता हूँ कि आप थोड़ा से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रैंड लीग खेल लीजिए ठीक रहेगा, उसके बाद कल का जो फोर्थ मैच रहेगा मतलब ये टूर्नामेंट का फोर्थ मैच रहेगा उस मैच पर आप स्मॉल लीग पर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी दोनों टीम्स ने एक एक करके मैचेस खेले हैं, हेड टू हेड नहीं खेले वो अलग बात है, लेकिन दोनों टीम्स ने इंडिविजुअली एक एक मैचेस खेले हैं इसलिए आपको फ़ायदा मिल सकता है। जब कोई टीम्स की प्लेयर्स अच्छे खेले हैं या फिर कौन से बैटर कहाँ पर कि कहाँ पर बैटिंग ऑर्डर में खेल रहा है तो ये अगर आपको पता चल जाए तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। और ग्रैंड लीग चॉइसेस में देखिए अनिल परिदा, अभिषेक यादव, साईदीप मोहापात्रा, लक्ष्मीधर साहू। तो फिलहाल दोस्तों रहेगा आपके लिए स्टैट्स एनालिसिस की बात, हम लोग अभी चलेंगे ड्रीम इलेवन की तरफ, वहाँ पर एक डेमो टीम बनाकर आपको दिखाएंगे, लेकिन फाइनल टीम्स के लिए आपको ऑब्वियसली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप अभी जाकर लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों विकेट कीपरिंग सेक्शन की बात करें दिनेश माजी को हम पिक करेंगे या फिर पाइक रे जो है इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जीएल के लिए थोड़ा सा अच्छा चॉइस मुझे लग रहा है, स्मॉल लीग के लिए दिनेश माजी जो है इनको ही हम पिक करने वाले हैं इस मैच के लिए। बैटिंग पे देखिए
अशोक सामंत राय, एस पटनायक और आर पटनायक तीनों रहेगा हमारी टीम पर टॉप चॉइसेस। इनमें से अगर किसी भी प्लेयर एक्स्ट्रा ऐड हुए, एस महापात्रा या फिर परिदा और या फिर ए यादव, इनको अगर हमने पिक करें तो आपको ऑब्वियसली टेलीग्राम पे पता लग जाएगा, नहीं तो अगर आप चाहो तो ग्रैंड लीग पर इजीली पिक कर सकते हो। ऑलराउंडर्स में देखिए, एस भरद्वाज, एस समल, एल साहू, लक्ष्मीधर साहू, उसी के साथ एम परिदा को हमने थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की पिक कर रहा हूँ दोस्तों। एक प्लेयर्स को तो आपको रिस्क लेके लेना ही है। बॉलिंग में बी बिस्वाल, ए राय और टी दास, ये तीन प्लेयर्स हमारे टीम पर रहने वाले हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे सेफेस्ट चॉइस में हम जाएंगे एस समल और वाइस कैप्टन रहेगा इस भरद्वाज। टीम को सेव करके दोस्तों आपको प्रीव्यू दिखाना चाहेंगे। प्रीव्यू में थोड़ा सा ग्रैंड लीग के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, दिनेश माझी, अशोक सामंत राय, आर पटनायक, एस पटनायक, एम परिदा, सैमल, लक्ष्मीधर साहू, साथ में एस भरद्वाज, ए राय, आर बी बिस्वाल, टी दास। कैप्टन वाइस कैप्टन एस समल और यहाँ पर भरद्वाज दोनों रहेगा कैप्टन और वाइस कैप्टन। ग्रैंड लीग की बात करें इसी कॉम्बिनेशन के साथ, आप यहाँ पर सामंत राय के साथ जा सकते हो, एस पटनायक, डी माझी, आर पटनायक, ए राय और टी दास, छः प्लेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चॉइस आप प्लेयर रहेगा इस मैच पर एज ए ग्रैंड लीग पिक। तो फिलहाल दोस्तों रहेगा आपके लिए डेमो टीम फाइनल टीम्स के लिए, अभी के भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियो सब तक पहले मिल जाए। और दोस्तों अच्छा सा टीम बनाइए, अच्छा सा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।